क्या है, मैं यहाँ पर साथ साथ लिख करके भी बताता हूँ। ये जो ट्रिक है सिंस और फोर का, याद रखेंगे ये ट्रिक बेहद यूनिक ट्रिक है, बेहद लेटेस्ट है, मॉडर्न ट्रिक है। आप इसे एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर जीवन में कभी भी आपको सिंस या फोर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंस का यूज, हम जब कभी भी सिंस का यूज करना होगा तो याद रखेंगे सिंस का यूज, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस या फोर दोनों का यूज हम समय के पहले करते हैं, तो जब भी सिंस या फोर लगाना होगा वहां पर समय अवश्य दिया होगा। और समय को आपको देख लेना है कि समय सिंगुलर है या प्लूरल है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ इसी बात को, जब कभी भी सिंस या फोर का प्रयोग करना होगा तो वहां पर समय दिया होगा, और समय सिंगुलर है या प्लूरल है इसकी पहचान आप करेंगे। और ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि कौन से शब्द सिंगुलर होते हैं और कौन से शब्द प्लूरल होते हैं। अरे यदि किसी शब्द के अंत में एस लगा हो तो ऑब्वियसली वो शब्द प्लूरल होता है, नहीं लगा हो तो वो शब्द सिंगुलर होता है। तो याद रखें कि आप सिंगुलर सिंस का प्रयोग सिंगुलर टाइम के साथ किया जाता है, सिंगुलर टाइम। यदि टाइम सिंगुलर हो तो वहां पर सिंस लगा देंगे, यदि टाइम सिंगुलर हो समय के अंत में एस नहीं दिया हो तो हम समय को सिंगुलर मानेंगे और उसके पहले सिंस लगा देंगे। तो इसके बाद यदि टाइम प्लूरल हो, यदि टाइम प्लूरल हो, प्लूरल टाइम दिया हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आप समझ गए होंगे, सिंगुलर टाइम के साथ सिंस तो प्लूरल टाइम के साथ फोर का यूज करते हैं। ये जो आपका ट्रिक है ये बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आप केवल इसे भी याद रखिएगा। आपको डिफिनिट इंडिफिनिट सर्टेन अनसर्टेन निश्चित अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है ट्रिक, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। सिंस का यूज सिंगुलर टाइम के साथ और फोर का यूज प्लूरल टाइम के साथ, सिंस का यूज सिंगुलर टाइम के साथ, फोर का यूज प्लूरल टाइम के साथ। इसमें भी आप ट्रिक लगा दीजिए, एस सिंस एस सिंगुलर, सिंगुलर एस से सिंस भी एस से। इसमें आप इसी की मदद से, चलिए हम एग्जाम्पल्स को बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको एक नोट भी याद रखना होगा। क्या नोट है, एग्जाम्पल पहले देखिए इसके बाद नोट बताते हैं। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं तो लिखा है डैश चाइल्डहुड, और हम देख रहे हैं कि ये जो चाइल्डहुड है या ये वर्ड सिंगुलर है क्या ये वर्ड प्लूरल है, हम पाएंगे कि इसके अंत में एस नहीं है तो अवश्य ही यह सिंगुलर होगा, और जब वर्ड सिंगुलर होगा तो हम सिंस का ही यूज करेंगे। उसी प्रकार से हम दूसरा अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो लिखा है फाइव ईयर्स, फाइव ईयर्स यहाँ पे है, एस लिखा है, ये शब्द ये समय प्लूरल है, और जब समय प्लूरल होगा तो ट्रिक कहता है कि प्लूरल समय अपने पहले फोर लेता है, इसीलिए हम यहाँ पर फोर लगा देंगे। लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल नंबर थ्री देखेंगे तो हम पाएंगे थ्री नंबर में लिखा है डैश अ लॉन्ग टाइम, हम यहाँ पाएंगे कि ये जो समय है ये सिंगुलर है, और बच्चे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये सिंगुलर है तो वो सिंस का प्रयोग कर देंगे। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, आखिर गलत क्यों हो गया, ट्रिक तो यही कहता है इसके बावजूद भी गलत हो गया। हालांकि ट्रिक के माध्यम से ही बनाया जा रहा था कि सिंगुलर टाइम रहेगा तो सिंस और प्लूरल टाइम रहेगा तो फोर का प्रयोग, उसी हिसाब से चल रहे थे, तो एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है अ लॉन्ग टाइम ये गलत हो गया। गलत होने का कारण है, देखिए इसी बात को आप नोट में समझ लेंगे, यदि आप नोट समझ लेते हैं तो सिंस फोर का प्रयोग आप कंप्लीट ट्रिक के साथ पूरा सीख लेंगे। क्या कहता है नोट हमारा, पहले तो बताया गया कि सिंस का यूज सिंगुलर टाइम के साथ और फोर का यूज प्लूरल टाइम के साथ, और एक नोट इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि यदि कभी भी कोई आर्टिकल दिख जाए, और आर्टिकल आप अवश्य ही जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ए एन या द, ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। यदि कहीं पे भी अगर आर्टिकल दिख जाए तो आर्टिकल के साथ आंख बंद करके फोर का प्रयोग करेंगे। अगर आर्टिकल दिख जाए ए
एन या द आंख बंद करके वहां पर फोर का प्रयोग करते हैं, यानी प्लुरल समय के साथ और आर्टिकल के साथ फोर का प्रयोग और सिंगुलर समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगर ये तीन बात आप ध्यान में रखते हैं तो तमाम यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसके साथ साथ और नया भी एग्जाम्पल्स आप किताब लेकर के बुक देखिएगा वहां पर बनाइएगा। किसी तरह की कोई अगर समस्या सिंस या फोर से रिलेटेड हो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी तरह की कोई समस्या होगी। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होता भी है तो मुझे कमेंट्स करके आप बताएंगे और हमारे यूट्यूब चैनल चौहान इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक मैं लाता रहूंगा और आप मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। फिलहाल एग्जांपल्स को देख लीजिए, मंडे है सिमिलर तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग कर देंगे और यहाँ पर भी देख लीजिए सिमिलर है तो सिंस का प्रयोग कर देंगे। सिक्स नंबर अगर देखते हैं तो सिंगुलर तो है लेकिन आर्टिकल है, फोर का प्रयोग होगा यहाँ पर सिंगुलर है नो आर्टिकल है सिंस का प्रयोग होगा, यहाँ पर आर्टिकल भी है प्लुरल भी है तो फोर का प्रयोग, ये सिंगुलर है तो सिंस का प्रयोग और ये भी सिंगुलर है तो सिंस का प्रयोग। फ्रेंड्स आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक भी पसंद आया होगा, आप इसे शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये ट्रिक कैसा लगा। दैट्स ऑल, गुड बाय।